अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं टू यम का के बॉम रामन टॉम यम फ्लेवर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको कंप्लीट वीडियो दिखाएंगे जिसमें कैसे इसे बनाना है और इसका टेस्ट कैसा, इसका फ्लेवर कैसा है, क्या हमें इसे बाय करना वर्थ इट रहेगा। एंड दिस पैकेट इज़ फॉर 40 रुपीज़, तो अगर इनके हिसाब ख़रीदना चाहते हैं तो चलिए सबसे पहले हम पैकेट ओपन करते हैं। इसके साथ हमें मिलते हैं 2 packets ऑफ मसाला, 1 is premix एंड 2nd is seasoning, जो दोनों ही पैकेट्स हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो चलिए अब इसे बनाना करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम पैन लेंगे और उसमें पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें हमारे नूडल्स ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पानी गर्म होने देते हैं, और फाइनली पानी गर्म हो चुका है तो चलिए इसमें नूडल्स ऐड कर देते हैं। नूडल्स को थोड़ा पकने देंगे और इसमें हल्का सा कच्चापन रहेगा तभी हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि सबसे पहले हम ऐड करने जा रहे हैं ये प्रीमिक्स मसाला। तो ये है 2 yum premix, आप देख सकते हैं इसमें शुगर, चिलीज़ और भी काफ़ी हर्ब्स काइंड ऑफ है जो कि काफ़ी अच्छा फ्लेवर ऐड करने वाले हैं। आई एम श्योर टैंगी फ्लेवर भी इसी से आएगा, लेमन चिलीज़ का, मे बी लेमन पाउडर फॉर्म में इन्होंने दिया यहाँ पे। एंड देन देर इज़ दी सीजनिंग, तो सीजनिंग भी इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे पकने देते हैं। तो हल्का सा ये पक जाए और 2 मिनट पका कर आपने इसे गर्मा गर्म सर्व करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने लेस का लेमन एंड चिली फ्लेवर ट्राई किया है ना कभी, तो इसका फ्लेवर ऑलमोस्ट वैसा ही था, काफ़ी सिमिलर लगा उससे। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करेंगे और आपको हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था इस नूडल्स पे आपको वो बताएंगे। तो चलिए फिर इसे कर लेते हैं फटाक से टेस्ट। और स्टार्टिंग में तो मैंने जब फर्स्ट बाइट लिया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका एग्जैक्ट टेस्ट अच्छा है या नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट जब सेकंड बाइट लिया तब धीरे धीरे टेस्ट फ्लेवर समझ में आने लगा और सच में अच्छा लगा, जेन्युइनली अच्छा लगा। बस इतना है कि आप इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं खा सकते, मतलब अगर आपको पसंद आए तो खा भी सकते हो आप, बट मुझे ऐसा लगा कि वंस अ वाइल के लिए ये बहुत अच्छा था। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।